चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। सर प्रेम पत्र से तो पता नहीं, पर हमें पता है कि कई दशक पहले से आपको प्रेम के साथ गहरा संबंध है, तो एक छोटा सा वीडियो हम लोग दिखाना चाहेंगे सर के लिए। तुम्हें याद है भुवन, तुमने पहले मुझे प्रपोज किया था। अब ये अवस्था हो गई है कि ठीक है, हम लोग दोनों एक दूसरे का बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी भी तुम क्या पसंद करते हो क्या नहीं पसंद करते हो इसका ज्ञान मुझे है। तुम्हें मीठा बहुत पसंद है और ये मीठा खाने की आदत भी तो मैंने ही तुम्हें डाली ना। प्रतिदिन तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाती थी, और अब अवस्था ये हो गई है कि मैं नहीं बना पाती हूँ, तुम बाज़ार से लाते हो, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि तुम मीठे पर जो नियंत्रण नहीं कर पाते हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक बार सोच कर देखो कि इसमें मेरा अपना क्या स्वार्थ है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, किसी तरह की भी बीमारी तुम्हें ना हो, तो इसके चलते मैं तुम्हें रोकती हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये मेरा स्वभाव है, तुम भी जानते हो अच्छी तरह, मैं भी नहीं बदल सकती हूँ और ना तुम इस उम्र में अपने आप को बदल सकते हो। तो ठीक है, जैसे हैं वैसे ही हम एक दूसरे को स्वीकारे हैं कि जो बात किसी ज़माने में तुमने पहली बार कही थी, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं करती। ये जो लोकेशन था, इस जगह को लेकर कुछ पुरानी यादें आप ताज़ा करना चाहेंगे? ठीक इस प्रसंग पर आने के पहले दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो वार्षिक पत्रिका प्रकाशित हुई है उसमें मैत्रेयी बहन का पहला लेख है, बिल्कुल पहला लेख है, और हमने जानबूझकर यह निर्णय लिया कि भले ही ये सीधे सीधे हिंदी और उसकी समस्याओं को लेकर ना हो, लेकिन ये तो बुनियादी समस्या को लेकर है, मानवीय मूल की समस्या को लेकर है। जिस तरह से प्रेम हमारे जीवन से लुप्त होता जा रहा है, एक सच्चा प्रेम, एक ईमानदार प्रेम, एक भावनात्मक प्रेम, गहराई तक जो प्रेम उतर जाए वैसा प्रेम खो रहा है। ये कहीं मैत्रेयी बहन ने उस ओर इशारा किया, और मुझे लगा जिस व्यक्ति में सचमुच प्रेम होगा उसमें देश प्रेम भी होगा, भाषा प्रेम भी होगा, राष्ट्रभाषा का प्रेम भी होगा। और इसीलिए मैंने अपने संपादक मंडल से कहा ये लेख सबसे ऊपर रहेगा, यह आधारभूत विषय है, बाकी समस्याएं तो उससे जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, जो दो एक फिल्मी गीत दिखाए गए, बड़े प्यारे बड़े रोमानी गीत हैं, अच्छा हुआ कि ये स्पष्ट हो गया कि किसी और ने ये प्रेम पत्र मैत्रेयी बहन को लिखे थे, अन्यथा जब हम दोनों को यहां बुलाया गया तो मुझे शक हुआ कि लोग ये ना समझें कि मैंने इनको वो पत्र लिखे। और जहां तक प्रेम की बात है, तो बिना प्रेम पत्र एक दूसरे को लिखे हुए भी मैंने और सूर्या जी ने उस समय प्रेम किया जब हमने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रांची आने जाने का क्रम हमारा शुरू हुआ। मैं मूलतः आंध्र प्रदेश का हूं, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, और मेरी पत्नी
मूलतः उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की और उसके हृदय की है, यानी इलाहाबाद की है। और हमने जो प्रेम किया, उस प्रेम को उस समय सामाजिक स्वीकृति बिल्कुल नहीं मिलती थी, बल्कि विरोध होता था, संघर्ष होता था। जैसे मैत्रेयी बहन ने कहा कि अब ये चिट्ठी पत्री शुरू हो गई, पकड़ के शादी कर दो। तो करीब करीब वही स्थिति थी। एक ओर हमारी पढ़ाई चल रही थी, दूसरी ओर हमारे बीच प्रेम की भावना पनप रही थी, तीसरी ओर परिवार की प्रतिक्रियाएं, अधिकांशतः प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं, और चौथी ओर समाज का भय कि पता नहीं हम लोग कितना इसमें टिक पाएंगे, कितना ठट पाएंगे। लेकिन बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा, जिस जिन्हें मैंने प्रपोज किया, जिनसे मैंने प्रेम किया, मैंने उसी से विवाह भी किया, और आज हमारे विवाह को 55 वर्ष से ज़्यादा बीत गए हैं। और एक सामान्य पति पत्नी में जिस तरह के भी संवाद और विवाद होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम आज भी उसी प्रेम की बुनियाद पर टिके हुए हैं। धन्यवाद सर, आपने एक साथ दोनों प्रश्नों को उत्तर दे दिया, क्योंकि दूसरा प्रश्न हम पूछने चाह रहे थे कि आप क्योंकि तेलुगु भाषी हैं, तो आपका हिंदी के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, और साफ तौर पर यह पता चला कि इलाहाबाद से उत्पन्न हुआ। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पर अभी जब आप बता रहे थे अपने प्रेम के बारे में कि आपने जिससे प्रेम किया उसी से आपने विवाह किया, दो पुरुष बैठे हैं, दो महिलाएं बैठी हैं, दोनों पुरुषों ने प्रेम विवाह किया है और दोनों महिलाओं ने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की है। दूसरे के पूरक हुए जी, एक दूसरे के पर्याय हुए, पर्याय हुए। इससे हमारा एक सामाजिक ढांचा दिखता है कि आज भारतवर्ष में प्रेम विवाह भी हो रहे हैं और सेटल्ड मैरिजेस जिसको कहते हैं वो भी हो रहे हैं। सेटल्ड मैरिजेस भी टूट रहे हैं और प्रेम विवाह भी सफल हो रहे हैं। धन्यवाद सर। साक्षात्कार का यह भाग अंत नहीं, आरंभ है। संवादों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।